my wonderful media friends and amazing team behind the scenes of Shark Tank India. और फिर ब्रैकेट में लिखा है पॉज फॉर अपलॉज. तो वो आप ही लोग हैं जिन्हें ये करना है. और नेक्स्ट सुनो, इनका कॉन्फिडेंस देखो. I can feel the excitement in the air. And trust me, there is no excitement in the air. And trust me, it's not just the shark's bank accounts making the temperature rise. और ब्रैकेट में लिखा है चकल्स. ये चैट जीपीटी के चुटकुले से चकल नहीं आ पाएगा दोस्तों. Are you guys ready for the session? Yes? बहुत ही बढ़िया. We are so excited to have you here. Shark Tank India is all about celebrating innovation, passion and entrepreneurship. And this season is amazing. मैं वैसे नया होस्ट हूँ इस शो का, तो एक बार मेरे को लगा था कि एज अ गुड पर्सन आप ताली बजाओगे, लेकिन आप लोगों ने दिखाया कि आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझसे. यस, ठीक है. हाँ जी, अच्छा, ये कह रहे हैं मैं 2 घंटे से पॉज लिए बैठा था. वेरी नाइस. बट सर, इट इज टोटली वर्थ इट. आप चिंता. मेरे साथ में साहिबा बाली भी होस्ट हैं इस बार, बट इन्होंने मुझे आज बुलाया बिकॉज आई एम मोर इम्पोर्टेंट. और यस प्लीज साहिबा को बताइएगा ये बात आप. और शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन बहुत अमेजिंग है. बेहतरीन आइडियाज, ऑसम पिचेस एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट. तो मैं सोच रहा हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, क्यों ना एक एक्सक्लूसिव ग्लिम्प्स सिर्फ आप लोगों के लिए हम दिखाएं, क्योंकि शो तो ऑब्वियसली 6 जनवरी से आ रहा है सिर्फ सोनी लिव पर. तो देखिए ये भी. यस प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड सी आई देख रहे 2 घंटे पता है. बट कैसा रिस्पांस? अच्छा था, मजा आया. इसमें ना एक मैं बीच-बीच में ना स्क्रिप्ट देखता हूं. इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द एवी इंटरैक्ट विद द क्राउड एंड गेज एक्साइटमेंट. आई एम गेजिंग इंटरैक्ट करने को मुझे बोला है. यार पता है, मैं चाहता हूं, देखो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे होस्ट कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि हम लोग ना एक टीम बन के रहें. ठीक है, आप रहने दो, आप थोड़ा ज्यादा चंटो. ठीक है. हाँ, मैं बोलूं कि ऐसे एक टीम. मैं जब भी पूरे थ्रू आउट द सेशन ना किसको एक को चुन लेते हैं, मॉनिटर बना लेते हैं. आप थ्रू आउट रहेंगे ना. ठीक है. हाँ, आपकी तरफ अगर मैं देखिए यूं करूंगा ना, तो सब क्लैप करना जैसे मैंने कुछ कमाल बोला है. ठीक है गाइज, प्लीज, आई एम ऑल अबाउट गुड लाइन्स. इट्स फाइन. कोई स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दे रहे हो? इट्स फाइन. ठीक है, चलो हम लोग तैयार है सेशन के लिए. तो क्यों ना अब हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शो के पिलर्स हैं. ठीक है, हमारे शार्क्स. देखिए आज कुछ शार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हियर. लेट्स कॉल देम. यस, आई विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग देम. हो जाए फिर तालियों के साथ में, आपकी एक्साइटमेंट के साथ में. हाँ, आंख नहीं मारनी है. ये बोल रहे हैं आंख मारो, आंख. मैं ये करना है सर. मैं दिल्ली से हूं लेकिन. ठीक है, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द फर्स्ट शार्क, the game changer in e-commerce and tech, Mr. Kunal Bahl, co-founder of Snapdeal and Titan Capital and promoter of Uni Commerce E Solutions. Yes? Please sir. Hi. Now introducing Viraj Bahl, founder and managing director of VBA, who has joined the panel of sharks this year. Please start clapping and welcome Mr. Viraj. Hello, please sir. अभी कैमरा के सामने इसलिए सब मेरे से हाथ मिला के जाएंगे. वैसे बहुत बड़े लोग हैं ना, वैसे बहुत बड़े अंदर भी मिलाया था. हाँ, मतलब ये बताना नहीं. अच्छा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट शार्क, द मैन बिहाइंड मेनी सक्सेसफुल वेंचर्स, मिस्टर अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीपल ग्रुप. हेलो सर, प्लीज. थैंक यू आशीष. The powerhouse in healthcare, Namita Thapar, executive director, Emcorp Pharmaceuticals. Please clap for the India. Please have a seat. The next shark is a young innovator redefining the travel and hospitality world, Mr. Ritesh Agarwal, founder and groups CEO of OYO. अरे वाह मेरी जान। Our next shark is the genius behind Inshorts, Azhar Iqubal, co-founder and chairman Inshorts. Please make some noise. अच्छा अपने लोग की तारीफ और अंत में हमारे साथ हैं द डायनेमिक लीडर अमन गुप्ता. Make some noise for him, the co-founder and CMO of boAt Lifestyle. For all the sharks, yes. बैठना अलाउड है मुझे? बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? बिल्कुल खड़े रहे यार, तू बड़ी तकलीफ देता है हमको. खड़े खड़ा हुआ अच्छा लगता है. आप ये देखो कि चेयर में डिफरेंस क्या है. मुझे ये दिया इन्होंने, है ना? ठीक है. पर नहीं नाइस. कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बढ़िया. एक्साइटेड फॉर द सीजन? हाँ बिल्कुल. तुम्हारी को-होस्ट कहाँ है? को-होस्ट साइबा वाज नॉट अवेलेबल टुडे. यस, तो तुमको झेलना पड़ेगा. ठीक है सर. देख रहे हो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे. कैसा कुछ? हाँ जी आप लोग करते हैं. ठीक है. ये क्या मेरे को इज्जत कहाँ? गलत जगह से इज्जत मिल रही है मुझे. मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए थी. नहीं तो पॉइंट्स वो कह रहे हैं वो करते, बट पीछे उन्होंने हंसा. मेरे को ये समझ नहीं आया क्या हुआ. एक सेकेंड आपको समझ में आएगा. रुको भाई सेकेंड. मैं कुछ भी करता हूँ. ने इज्जत करना बंद कर दिया ना सर, वो ज्यादा बड़ा इश्यू होगा. सर अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी गलत न्यूज डाली ना इन शॉर्ट पे, ठीक है. बट कोई स्नीक पिक बताइए कुछ शो के बारे में. क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटिंग है इस सीजन में? आप कुछ एक्साइटिंग पूछिए, हम एक्साइटिंग से ज्यादा बताएंगे. आप मेरे सवालों को तैयार हो? हाँ हाँ, मैं आसान सवाल नहीं पूछता हूँ. बिल्कुल शुरू हो जाओ भाई. शुरू एक सेकेंड. ठीक है. अब इन्होंने अगर मैं ऐसे बहुत पोलाइट होने वाला था, बट मैं मुश्किल सवाल ही पूछूंगा. ठीक है चलिए. हम लोग 10 मिनट की पिच देखते हैं जनरली जब शो एयर होता है, बट पिचेस चलती है 2-2 घंटे की. मैंने ऐसा खुद देखा. क्या होता है उस 2 घंटे में? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. बहुत सारी बातें. आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला. लड़ाइयाँ होती है, बाकायदा होती है. वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कर रहा है. हम लोग बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं. ये कुछ लोग एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो. कुछ लोग आपने इनकी तरफ क्यों करा? मैंने कहा आप लोग को पता है वो. देखिए शो का नाम क्या है? शार्क टैंक इंडिया. शार्क क्या करते हैं? मेरा इंटरव्यू नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ यार. इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन. अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग. लेकिन शार्क करते क्या है? है ना, शार्क स्टफ. इफ वी डोंट बाइट, पाउंस, देन वी आर नॉट शार्क्स ब्रो. ओके, जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा. और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी होती है. ओके, आपने मुझे देख के तो नहीं बोला? अच्छा ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए. क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन आई वुड से. व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? डैशिंग. अमन भाई डैशिंग, आई लव यू. और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? अब तो आई विल रिपीट, आई सेम. इनका स्टाइल अलग है यार. इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं शार्क टैंक में इनको पहले, मतलब अभी इस सीजन में ये इनसे सीखा है. छोटी मोटी बातें नहीं करते सीधा. अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं. तो ये इनका अलग स्टाइल है, बहुत सही लगा. मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है. तो इनसे बहुत चीज सीखी है इस साल मैंने. देखा ये इनको हर चीज में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं. हाँ, इक्विटी ज्यादा लेते हैं, पैसे भी और देते हैं. ऐसा नहीं है इक्विटी ज्यादा लेके थोड़ा पैसे भी देते हैं. पैसे भी देते हैं. हाँ सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का. एक सेकंड, मुझे एक सेकंड. मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों, मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड हट. किसने बोला? नॉट फेयर, नॉट फेयर ना. इधर आ. मैं ये हुई ना बात. मेरे लिए एक बार वाली कुर्सी मंगाओ, बड़ी वाली. ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े हैं. अच्छा, मेरे को लगा आप बेइज्जती करना शुरू कर रहे हो. ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं. आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है सर. वाली बातें रहने देते हैं. चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? यार हमारा ही तो काम है, मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं, बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फायदा होता है, राइट? कंपनी का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है, ऊपर अच्छा ब्रांड का फायदा होता है, कंपनी का फायदा होता है, यू नो देश का भी फायदा हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है, और इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं, इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग, एंड इट्स आल्सो फन। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कम आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, actually it's a lot of fun, there's a lot of great fellow sharks, the entrepreneurs are amazing। और एक मेरे लिए तो ये पहला सीजन है, पर मैं एक चीज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स हैं, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का वो बस बढ़ता ही जा रहा है। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ, असली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा कमाए, तो वही हम कर रहे हैं। वाओ, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। है ना? अच्छा, क्या बात है, मुझे साइड हटा रही थी आप, ये वही वाली हैं। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेसेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं, पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी, शार्क्स के इनसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते, इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में, जो कई वीकेंड्स आती है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी एमबीए ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। नहीं बिल्कुल, अरे हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। नहीं, आई एग्री विद रितेश, और मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ तो सब शार्क से जो सीखी हूँ, एंड इवन फ्रॉम द को फाउंडर्स, एमक्यू में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए, तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। सो हमारा भी फायदा होता है। बहुत अच्छा ब्रांड है अर्थ। थैंक यू। नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मुड़ के बोले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे, वो कर सकते थे। वेरी ट्रू। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा शार्क से, बल्कि आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत सीखा उस बात को। हाँ, नहीं पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने खत्म हो जाएगा, डबल क्लिक। अच्छा है, इनसे पहले पूछ लिया, समझ आ जाएगा इनके बारे में क्या बोला। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी बिठा दिया, मैं उस दिन पता नहीं कहां से नॉलेज देने लग गया। तो आपका कहने का मतलब है कुर्सी की वजह से है। हाँ, वो कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी है थोड़ा बहुत। और फिर हमारे बैल भाई को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ, उन्होंने मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी, मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूंगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट, ट्रूली बहल है। यहाँ दो है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं, आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। बट अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमॉन्ग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइज और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं, तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। आपका कुछ मुझे चिट आया था पहले एक्सटेम्पोर में 5 मिनट बोल गए आप, बहुत ही बढ़िया। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए, आप बताओगे ना रितेश, आप बता दीजिए क्यों, कोई बात नहीं। ये इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं कि कभी कभी हमको लगता था कि सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला नहीं, जेन्युइनली अ वेरी काइंड पर्सन एंड दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं, सो वी रियली लव दैट अबाउट यू। मेरा पूरा प्लान कामयाब हुआ। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी, लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए आपसे नहीं हो रहा लेकिन बैठे रहिए, कुर्सी तो है ही। तुमको जॉब चाहिए सर बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ है? आई थिंक नए शार्क है, लेकिन कुणाल सबसे ज्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और यू नो मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। एंड यू नो उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर, बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, ना नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू, थैंक यू। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में दुनिया में, वो हम दो ही चीजों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इंशॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज्यादा मीम बनेंगे? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो विट रहता है वो काफी जगह लेके जाता है, मैं बोलूंगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बंगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों भाई, दिल्ली का गुंडा बना दिया। अमन सर आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि भाई डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? यार ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात कर रहे हो? तो नए पुराने हो जाते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा। बट मतलब अगर अनुपम, नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स हैं जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान बुलाता हूँ, मैंने अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो 1 घंटा हमें इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नजरिया है कि हर चीज में वो आंसर, उनको डीप जाके उसको आंसर, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चंस, राइट, पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना, जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से ले आएंगे, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती ना, पता नहीं वो है भी या नहीं होती, बट होती होगी मोस्टली, राइट। तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की, हर सिटी की, इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा आ जाता है। और अगर आप वरुण का देखो तो यू नो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे ये मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सिर्फ वरुण दूध तुम दिखा नहीं है। मैंने किसकी बात सोच रहा हूँ, वरुण दिख नहीं रहा। विराज भाई का फूड का नॉलेज, यू नो वी ऑल got to learn more, but I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं हूँ। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। बट आई हैव अ विजिटर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज शार्क पर्सपेक्टिव। तो तुमने कैसे बोल दिया कि विलन फूड की नॉलेज तो है यार, कुछ नॉलेज और क्या सीखेंगे, फूड की नॉलेज तो होगी, पूरा सीखेंगे बाकी। तभी अभी इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहां पे, तो थोड़ी फूड की अभी बात। मैंने मेरा फूड का एग्जाम ले लिया था, मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया। हाँ तो ये अमेजिंग फूड घर में सीखेंगे। जैसे और मैंने कुणाल भाई का बोला तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आए तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, पर धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार, 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। ऐसा तो है नहीं कि यू नो कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे जैसे लास्ट ईयर दीपेंद्र ने भी आके ये शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख, तो इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया, तो हमने 4 गुना कर दिया। ये 5 देते थे हम 10, ये 10 देते थे हम 50। कुणाल सर आपके लिए सवाल है, मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे बात करना तुम आराम से बोल सकता हूँ। सवाल ये कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनमें से कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है क्योंकि हम करवाते हैं महसूस। हाँ, बीच-बीच में हम बताते हैं, कोशिश पूरी रहती है इनकी, कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं जी, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये 500 पिचेस में बैठ चुके हैं जी, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं जी और जो टैंक में करते हैं, बहुत चीजें सिमिलर है पर कुछ अलग भी है, क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है जी। तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछे, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल है, वो अगर आप 2-3 सीजन कर चुके हैं ऑब्वियसली आप वो स्किल थोड़ा आप में ज्यादा होगा, ना कि जो नए शार्क्स जी। आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको सीजन, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर, झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट खुद रितेश को ही जाना चाहिए, अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश है। he is the nicest shark, right? Like nicest shark and most humblest shark also, I should say. Or you know, he's also a very good heart, kind soul, really wants to help the founders, goes out of his way to help even those who is not investing in. So really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole series. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराज सर और आप जो हैं पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन्स हैं। ठीक है, तो मुझे गलत पता चला। ठीक है, नहीं बट वी आर ऑन नेशनल टेलीविजन, वी आर लाइक मतलब बहुत ही क्लोज दोस्त है, भाई से बढ़ के हैं। ठीक है, और अब हम दोनों के भाई भी देख रहे होंगे, तो भाई मतलब थोड़ा। बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराज जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ओके, आई थिंक वो प्रेस से अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। बट दैट इज कुणाल फॉर यू इन अ लाइन, यू नो, ही विल नेवर शो ऑफ, और यू नो ही इज वेरी हम्बल लाइक दैट, ही विल नेवर कम एंड टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। बट मैंने भी फिर आई टोल्ड विमल के इनको भी मत बताना, मैं आ रहा हूं सीधा सेट पे मिलूंगा इनको मैं। हां, ऐसे अजीब हो जाता ना किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहा, बोलो कि मैं भी हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। बोला था मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं वही तो बोलूंगा, सच में बोलूंगा। बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर हैं। मैं अभी बोथ साइड्स हूं, मैं यस आई एम सिटिंग ऑन द शार्क टैंक चेयर एंड आई हैव नॉट येट बीन, आई एम नॉट अ शार्क येट। सो वो वेरी सून वो होने वाले 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप अभी पैसे इकट्ठे कर रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, अभी तक सब करूंगा। अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है। ठीक है, नहीं सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं कि सर कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है कि कुछ बनाया आपने दिमाग में? नहीं स्ट्रेटजी नहीं बनाई। इट इज, आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई हैव अ मतलब इन माय माइंड आई हैव अ काइंड ऑफ यू नो वन वर्ड आंसर, लाइक आई थिंक ऑफ यू नो, सो फॉर एवरीवन या वी गेट ऑन वेरी वेल। हां बताओ ना, है ना, इंटरेस्टिंग है ये। फॉर सर व्हाट इज द वन वर्ड फॉर हु? अनुपम सर। ओह, अनुपम सर स्टाइल भाई, लेजेंड, यू नो एवरीथिंग। आई लव यू टू। या Namita, I have only one word: favorite. She is my favorite shark. Oh, wow! Thank you. Yeah, and I mean Ritesh, nice, humble. Azhar, again, you know, the sweetest person you'll meet, and Aman, Delhi. Okay. Delhi. I mean Delhi, but Delhi. Aman is Delhi. Yeah, Delhi. यहाँ पे Delhi लिखा होना चाहिए. Aman is Delhi. आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो, पता है एम्बेसडर कोई जाएगा ही नहीं है। हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी है और यू नो यहाँ पे भी एक साथ एक्चुअली हम तीनों सेम स्कूल से और विनीता भी। ये कौन से डीपीएस स्कूल है भाई? हम लोग एग्जाम देते हैं यार, ये क्या नाम में दिल्ली स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 people out of the same school have become sharks of Shark Tank. Him and Vinita Jadoo होगी same और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे। Oh my God, wow, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छे। और आप? बहुत ही अच्छे। थोड़े से बहुत थोड़ी बेटर थे। अच्छा, थोड़े से। बट स्कूल का ज़्यादा हाथ था नहीं। हाँ, स्कूल का हाथ नहीं था उसमें। ना मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देना। सच बोल रहा हूँ। पर आपने 1 word इनके लिए नहीं बताया। भाई ठीक है, बढ़िया। आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे? सब कुछ है ना, सब कुछ मिलके करेंगे, वो सीक्रेट है। ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ माय वाइफ बोथ ऑफ अस, बहल एंड बहल.com। अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ गया, इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी मिलके। बढ़िया। सवाल यह कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो है शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से? मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, मैं भी फेमस हुआ नहीं हूँ तो मैं पीछे हो जाता हूँ, बाकी सब सेम हियर। मेरा होने वाले हो आप? मेरे तो अभी एपिसोड एयर नहीं हुए। सेंस में उल्टा समझ नहीं आया था क्वेश्चन। मैं बताता हूँ, आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बना ही रहे हो, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे हो, अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं आना। मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा। नहीं भाई, बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करवाएंगे। बट जी यार, मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं था फ्रेंकली। मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और यू नो हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी। और मेरे को मतलब जैसे हाल ही में मेरे को मोदी जी से अवार्ड भी मिला कंटेंट क्रिएटर ना। मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा, मतलब इनफैक्ट मुझे याद है बिमल सर का जब मेल भी आई थी सोनी से, तो मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे, तो मेरे को डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क के लिए बुलाएंगे। फिर यू नो थैंक्स टू देम दे चोज मी, फिर शार्क बन गया। फिर शार्क में के बाद मुझे यू नो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फी होने लगी। तो मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल है। मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मेरे को लगता है देयर इज अ, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप as it comes. I'm not thinking so much on what is happening. I'm just enjoying. जैसे होता है ना, enjoying the moment. अभी मतलब मजा आ रहा है, उसमें मजे ले रहा हूँ बस। बढ़िया। अगले कुछ सवाल जो है, सॉरी आप कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ तो रुकना नहीं। अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं हमसे सोनी पर। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसकी बातें चल रही है अभी। ऐसे नहीं हुई भाई बातें तो। हेलो दानिश सर, यही होगा। बढ़िया, बहुत 2-3 शो करेंगे, उसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात करते हैं। देखिए, अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है। आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? आई थिंक विनीता। ओह अच्छा, कन्वीनियंट, यानी वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट पे बाय द वे, हां क्या है ना, इम्पेशेंस इज नॉट अ बैड थिंग। हमें तो पसंद है कोई शार्क इम्पेशेंट हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है। बहुत अच्छा। अगला सवाल यह है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, हमें शोर सुनाई दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, क्या सीन है? कोई भी बता सकता है। आप मैंने था ना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया, उसी से फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया, मैं केवल देख रहा था उस तरफ। आप बता दीजिए। नहीं, इनसे पूछ रहा है, अनुपम भाई बताए। अनुपम सर आप बताएं। क्या आवाजें कैसी आती है शार्क टैंक में? आवाजें कैसी नहीं, क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी। दिस इज नॉट जस्ट, इन ऑल सीरियसनेस, दिस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट शो। देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हो, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना education नहीं हो सकता है। तो हम जो करते हैं investment, ये planned नहीं होता है, but I think the way they have chosen their panel, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक manifestation है उनके ideas और creativity का, but उन्होंने इस type से choose किए personalities कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं है। Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है and finally education होता है। जो देश में पिछले 4 साल में startup की, and I'm not talking about the IIT, IIM startup, वो अपनी जगह VC ecosystem उनके लिए है, but the home founders जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन में, 4, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है? सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग कन्वर्सेशन, राइट? एंड ये अच्छी बात है क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों के, और बातें होंगी तो बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा। एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है यार हमारी। सो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाट शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी हो रही है ना, कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी एंटरप्रेन्योर है जी। हां, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी, इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? बिल्कुल तुरंत। शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? किसको कह रहे हैं? सबको, एक एक वर्ड जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, ऑनेस्टली पूछो। अच्छा ठीक है, आपका हो गया। विराज सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटेरियन, ठीक है। अमन सर, एक वर्ड। यार वर्ड मेरे को लगता है सर, एक वर्ड नहीं बोल सकते। मुझे मजा नहीं आता। डील जीतने में मजा आता है। डील, अच्छी डील होती है तो हम लोग सब कूद जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि यू नो पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फायदा होगा। दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर द शो, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द डील, आई थिंक। ऐसा नहीं है कि लड़ने में मजा आता है हम इसलिए लड़ते हैं, हम पागल नहीं है। बट इट्स यू नो, इट डिपेंड्स ऑन द डील। एंड समटाइम्स हम डील्स, जैसे ये रितेश अपनी कभी यू नो पिच, कभी-कभी तो हम, कभी-कभी तो जब मजा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। तो हम लोग शार्क, वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है उसे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्क, उनका शार्कनेस निकल जाती है। इस बार, लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है हर डील में, इन्होंने यू नो शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड यू नो इट्स नॉट वन पर्सन स्पेसिफिक। नमिता मैम, आप लड़ाई? पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, पर जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, और मजा आता है लड़ने में। रितेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता होगा। मुझे लड़ाई करने में? अच्छा, आज विनीता नहीं है तो शायद, और विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लेता हूं। बट इनको नहीं आता, मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील, इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं, मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पे। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स जी। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा, मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो, आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने भी भले। बोलते ना हमारा नेता कैसा होगा, रितेश जैसा। दैट्स अ गुड वन। वो पॉलिटिशियंस बनेंगे। जरूर पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, हमने सबने बैठ लिए। आप लिख के ले लो, लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बनेंगे। डन। कुणाल सर आप मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं। कुणाल सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से देखा है एवी, ठीक है पूरा का पूरा उसमें फुल लड़ाई है। अनुपम सर आप लड़ाई क्या चीज किससे मजा आता है? लड़ाई करने सबसे, सबसे लड़ाई ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें कि मतलब लड़ाई चाहिए सामने कोई भी हो। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं। अच्छा लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए था। झगड़ा नहीं, गाली गलोच, गाली गलोच, गाली पकड़ना ठीक है परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ये ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है कोई कोई। So, you know, there are all kinds. बिल्कुल बिल्कुल। आपका मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो पूरा। ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। शकुनी मामा है हमारे। शायद खुद ही कर रहे होंगे। नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूँ, शुरू करना पता नहीं कौन है। क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोली ओवर? आप तो इतनी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, बहुत सी ऐसी पिचेस थी क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है ना, एक तो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक जी। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज, राइट। और दूसरी बात क्या हो गई, एंड दिस इज द फर्स्ट एज वेल, सेवरल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई हैं शार्क टैंक पर इस टाइम। तो सीड राउंड हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज पता नहीं, मेरे को याद नहीं है बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर बट मे बी 30-40 लाख, राइट, वो रेंज में। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ, कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की क्या हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज, जो पहले 2 साल में काफी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, ये शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा। एंड देयर इज सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क टैंक। Those same founders, they have realized the value of Shark Tank. आपका business ऐसे हो जाता है after being aired on Shark Tank, and so they are all coming. Some of the best founders in India are now coming to Shark Tank. Wow! तो ये काफी फर्क पड़ा। और I think अनुपम भाई वो एक और change आया है कि पहले loss making companies ज़्यादा थी और profit making companies भी Shark Tank पे आ रही हैं, which has also started a big change I see from last 2-3 साल में। अभी इस साल profit making companies भी बहुत आई हैं। Founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they are so confident and so well prepared, क्योंकि उन्होंने last 3 seasons देखे हुए हैं, they understand the nuances. But yeah, to adding to what Anupam bhai said, इस बार ये founder set जो आया है और जो companies आई हैं और जो type of businesses आए हैं ना, it is mind blowing. मैं हर साल बिमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया राइट कि ये सेम चीजें तो नहीं आएंगी, पर इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई है ना, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट 4 सीजन। इतनी वैरायटी आई है, इतने अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक यू नो डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही है। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज हैव कम दिस ईयर। मतलब I can't reveal a lot, but beautiful types. In terms of talent, जो founders का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर it is the ceiling, मतलब बिल्कुल जो roof होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders और companies आपकी बारी। Quality ऊपर गई है, मैंने देखा host वगैरह का भी ऐसे काफी उसमें role रहा होगा। There are exceptions to that rule. साइबा है ना। ठीक है, देखिए हमारे जो ये अच्छी बात है आपकी, अपने co-host की इतनी तारीफ करना ये अच्छी बात है सर, हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है ठीक है। देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं प्लीज तालियों के साथ में। विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान, द बिजनेस हेड ऑफ सोनी लिव एंड स्टूडियो नेक्स्ट, विल जॉइन अस नाउ। Congratulations to Congratulations sir, एक और बार Congratulations Thank you। अरे शुरू फिर है ना, क्या हो गया भाई तुमसे हाथ नहीं मिला सर? मैं अगले सीजन में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। चले फिर, अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं। हाँ जी सर, हेलो, बढ़िया, सब ठीक है, चले पूछे। तो सवाल आप प्लीज हाथ उठाइए और मैं बताऊंगा आप, और फिर हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्त, बताइए। माइक आपके पास आ रहा है। हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर। भी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग। वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है, उसके बारे में सोच। आप ना नाम लेके पूछ लो, किससे पूछ रहे हो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अनुपम सर से पूछना चाहता था। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बनकर, आपको आइडल मानते हैं। अच्छा तो बहुत लगता है, बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बात यह है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए हैं, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहां तक पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, मैं भी पहुंच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1,000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। वाओ, सो दैट्स माय। हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है, शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल शादी में डांस, वहां से। हाँ जी। Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you? What trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question, and ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं, and that's an opportunity too, right? So you'll see that there's this set of brothers that are invested. Oh, I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need the kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he's worked on your ideas the way you guys did it. He sits with his father, and he's already curated that. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. Wow. Amazing. And, that's amazing. Yeah. And in all industries, sub-industry, when they get Shark Tank to make their kids to prepare their how to become entrepreneurs. Wow, wow. So very, very nice to see. No, I would like to. But बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना. जो पैसे शादी में देता है वो आप ही कमाते हैं. जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप करते हैं. Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he will. He is the best person to answer how it started, why did he bring it, what can he feel. Yes, when you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West, right, as Dragon's Den. Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that in any case, the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic, we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they are being discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded. And we see some people becoming businessmen. And in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, in India, it's always thought that business will be done by business families. But in last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or Anupam, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that क्योंकि आपने global की बात की है. Many times I feel in India अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about. Whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikchandani or Sridhar Vembu, these stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts हैं, तो हम उनके stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine a day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark. That will be the day this episode comes a full circle. ये actually ये weekend पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े फ्री के शेयर्स दे दो. फ्री के शेयर्स तो अपने पापा को भी नहीं देते. आप अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं बाहर जाके, बुक वैल्यू पे कर लेते हैं. जिसपे एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूँगा. तो मैं एक बहुत आपका माइक ऑन है? सॉरी सर. नहीं आप बोल लो ना. हाय दिस इज सना हियर फ्रॉम इंडिया टुडे. अजहर भाई कुछ कह रहे थे शायद. तो मैं इस पे एक चीज अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, इनफैक्ट जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं है. मतलब मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ ही ट्रेन थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते थे। हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं, हम उस ब्रीड में ही नहीं आते हैं। शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब हर बंदा एटलीस्ट अस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, तो वो ब्रीड, और छोटे से शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे। तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम किया है ना, ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा, मतलब मुझे लगता है। Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Deepinder couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to... I am only happy Deepinder गया तो मेरे को जगह मिल गई, so मैं तो Swiggy को thank you note लिख सकता हूँ। But I think Danish sir बता सकते हैं इस बारे में? Sana और... No, first thing first, I think everything that appears on newspaper is not true, okay, and we'll love to have Deepinder at some point in time on Shark Tank, okay. See, you must understand that this is 50 episodes, okay, and there's a lot of permutation. Everybody is very busy people here, you know, they run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as, you know, things reported there. Okay, we'll continue to, and their sharks were there for 4 seasons, and I'm sure you'll see most of them next season also. Mike. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा है, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। और आई थिंक अनुपम सब हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि Sony did it for money or for anything. They have made sharks, and I am indebted कि इन्होंने हमारे को choose किया as sharks, right? And I can vouch for it. I can write it. I can openly say it. I have not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. You know, some changes will keep happening. Except I hope me, it keeps happening. But this is life, and it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with. You know, entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So I agree with Aman completely. It's you know, Sony's really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And a huge responsibility. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepi did. And I can tell you 3-4 things, right? First of all, is that the channel and more importantly the studio that we work with. उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है, एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला गया कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा ऑफकोर्स आई थिंक वॉट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इस हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया आया। मैं आपको बताता हूँ मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते। वहाँ पर इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का वो कई सारे आउटकम्स में नजर आ रहा है और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड व्हिच इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरीडे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली midway, and Kunal debutant. Me also debutant. Mr. Bahl, I mean the newer one. So super debutant. Yeah. Okay. And I also wanted to ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact. But every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn the negative experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही पुराना से पहले कि मीडिया वाले ना डर लगता है। सुना देखिए देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। अब गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो उसका मतलब एसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीजें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा, जहाँ चीजें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलता है, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो हो रहा है। अब जिनकी नहीं हो रहा वो मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि यू नो उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा, यू नो। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देयर इज अ हिसेस शीसेस, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है। वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती हैं कंपनीज कि दे मे रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज द लाइफ। And you know, can I add, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी, but they were also full of praise कि इतना ज़्यादा वो मिला, publicity मिली, and उनके साथ यही हुआ था कि because of Shark Tank they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. Season 3 वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था ना उसका। But yeah, to sum up your questions, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very very nice, you know. So वो gossip मिला नहीं। But I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on Shark Tank. So hi guys, I'm Namita. It's on. We can hear another Namita. Yes, another Namita. जब तुम Namita बोल रहे थे मैं बार-बार थी हाँ यार मुझसे भी पूछ ले कोई सवाल। So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done or it was portrayed. So do you actually think कि there is a disconnect between the day, between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show, in the real? Who's the question for? Namita. Namita, Anupam, anyone of you can. I didn't hear. So, you know, a lot of times when due diligence happens, the numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So, you know, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? You know, they're kids who are 23, 24 years old. They're working till 3 in the morning here. Yeah. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, khatte angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. I have one more point, and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? Well, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that, yes, like... I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms also, that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. You know, sometimes you come to a show and you are happy at that point in time what you get, and you go out and say that, oh, I'm becoming big, you know, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. Danish, do you actually believe that some people also say that, like, some people, if we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season and now this is at the fourth season, it's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So how do you we just ran a promo where 1 crore valued company went on to become 400 crore in 3 years time. I don't think that's just entertainment. There is entertainment, of course, you know. It's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020, there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format and we got our sharks who willingly came, and you know, they are only the rare talent in our talent show who don't get paid, but they pay. They put their money. Yeah. But you can change that. No, no, I don't. Good things needn't change, you know. So, yeah, I can. Yeah, yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama, there is of course any reality. Even three of your friends meet together, there will be some entertainment, but ultimately what it's doing to this country, we just got some example. Okay, the people getting inspired, the fear that you know, business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other you know, forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. Right. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders tried to change the terms after the deal. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they're even aired, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to match it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. Yeah. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. Lekin agar 30-40% se aapke number off hai, aapne galti se kuch keh diya, obviously we're not going to invest. Right? And you should follow the data. Agar koi complain karta hai, आप उनसे पूछे क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. So that debate from my perspective is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business shows. When I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा टीवी पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. All right, so. Thank you so much, Phil. I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I'll sit with a proper like data. Okay, done. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. All right. Sorry. Next question, Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आती. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड, यू नो, एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं खुद तो नहीं गया. मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जाके मेरा इंस्टा दिखाओ. उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है. तो यू नो, फायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने यू नो, जहाँ पे जैसे आप ही लोगों मीडिया लोग जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो, राइट. तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे, राइट. तो अब वो उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी यू नो कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल सकते, राइट. तो डर लगता है, बट यू नो अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा थोड़ा, यू नो. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़. पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है. और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो, राइट. मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क्स हैं, उनको बुला इनके बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट. मेरे पास आते हैं यार अमन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फोन भी नहीं उठाते थे कि यार इन्हें शार्क बनना है, राइट. सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग यू नो अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर लें. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे फाउंडर्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री. एंड वेरी happy that you know Danesh, Bimal, Indraneel and all the team has done that for. So I'm not lying, I'm just being frank here. What are the other sharks? What are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैम मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है. पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज इंडिया में आने लगे, राइट. इंडियन आइडल आया, KBC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल दी थी. इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं और उसको लेके जनता इतनी खुश हो जाती थी. जब KBC आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है. मैं तो हज़ारों ही सुने थे. तो मैं जीके बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं. KBC में वो बात अलग है, अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं KBC जाऊँगा कभी. तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी में. मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहे हैं. आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज़ को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए. लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज. तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग. तो दैट्स माई व्यू. Equivalent to like अब वो बन चुका like meme fest कितना उसके साथ वायरल हो जाता है. So if you guys had to give like a hashtag to each other, जैसे अभी आप लोगों ने कहा शकुनी की तरह, you know that way rounds. If you had to, मैंने नहीं, नमिता ने कहा. हाँ. So you had to give like a शकुनी. हाँ ये. You had to give like a hashtag to each other. Namita is very good at it. You should ask her. Namita is very good at it. What is the hashtag that you would have given to each of the sharks? मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरा तो यही hashtag expertise. दूसरों के लिए. दूसरों के लिए. You're going to put me in a spot now. मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? Why मैम पूछ रही हैं? ये यार हमेशा मुझे blame करती है for everything. I'm not even asking the question or answering. Hashtag बिच्छू. ठीक है अभी अजहर का बता दीजिए. अरे यार मुझे मत बोलो. I don't want to be in more trouble than I am already. Each one of you can take one's name and yeah, I think that's a better idea. I've given mine. Shakuni and Bichu. Let's start from the new ones. You can choose one shark and you can tell. आप ऐसे बोलो new और OG ऐसे बोलो. New and OG. मुझे actually आप किसी और कोई कह रहा था ना कि Shark Tank का वो improve कैसे हो गया क्या पता नए sharks की वजह से improve हो season 3 and season 4 का अभी तो आप आए भी नहीं आ तो जाओ. Is that a threat, Aman? Is that a threat? नहीं नहीं मैं तो बस बोल रहा हूँ अगले साल का पता है। My final question to Danish. I'm very keen to know कि आपने काफी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे आप यहाँ ला रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे कर रहे हैं? What do you think behind that? Basically कोई भी show या format जब हम लाते हैं या अगर हम लोग खुद भी show बनाते हैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट चूज किया था वो काफी ड्रामेटिक था स्कैम वन तो आप लवली यू नो ब्यूटीफुल या सो दैट वन टाइम फंडामेंटली वी यू नो व्हाट वाज द कैलकुलेशन वी जस्ट से हाउ मेनी पीपल आर रीडिंग पिंक पेपर टुडे ओके इफ यू लुक एट द साइज ऑफ द पीपल हु आर रीडिंग पिंक पेपर whether in terms of actual paper the physical paper or following business related content across the digital, you have a sizable amount of people and they are deep interest. Okay, that data led us to you know acquiring the rights of Scam and playing it on Sony LIV. Even when we were doing look at the number of people who are going into management. Number of people who are following and reading books around entrepreneurship. Lot of self-help book around you know having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought whether it's Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Boys and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we have a blockbuster. So that's the thought. Next question. We और कराएगा क्या? आपके पास है? अच्छा. हाँ जी. Hi, can you hear me? Yes. Yes, sir. Good evening, everyone. I'm Shweta from latestme.com. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So my question is that you guys deal with a lot of in the promo also I've seen young people, some even from Gen Alpha, I believe, right? So how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So is it some of you guys as well? You know, so is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Namita, you were talking about people working very hard on this show till you know the wee hours and then coming early. But there is also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health and this and that, doesn't want to work overtime. So I'm just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming up now than you know what general consensus is? Well, I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who've come right. and pitched at Shark Tank season 4. And some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, the clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of a 30-year-old or a 40-year-old or a 45-year-old founder. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. And now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. First thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे हम बोलते हैं शो पे, अच्छा unit economics बोलते हैं और धर gross margin, marketing, shipping cost, this, that, etc. So I think the level of sophistication is very, very high even amongst the youngest of founders that are coming on the show. Okay. और उनके WhatsApp ग्रुप्स भी हैं कम्युनिटीज़ के. आजकल क्या हुआ है, पहले के जो Shark Tank के फाउंडर्स हैं ना, उनका एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है. एक तो WhatsApp ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड कर लिया, फिर मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे हटा दिया, तो कोई बात नहीं. नहीं मतलब मैंने ही. And you will be happy to know that the women especially, they're fearless now. And it's so lovely to see that. Because you know, taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगी season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits women getting funded by VCs or startup investments. Low single digits. Shark Tank India पे आप guess कीजिए कितना होगा with at least one woman co-founder. It's 50%, close to 50%, right? That is nowhere else you'll see that in any VC's portfolio in this country or outside. So that's what we are doing. So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early tweens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe and I predict that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore ki company, and will become a 10,000 crore company. Wow. Just seeing the companies I'm seeing. Next question. Hello sir, my name is Ram from Marsha Times. Hello. Mera question Anupam sir se hai. Haan ji. Yes. So, sir, एक perception है, आप हमेशा आपके पिच में बोलते हैं कि धंधा कितना करोगे, बहुत बार आपने बोला है. So, एक perception है कि Shark Tank में या in general जो startup ecosystem जो recently चालू हुआ है, उसमें company lifelong नहीं चलती है, या Reliance, like Tata's की सालों साल generation to generation business करती आ रही कंपनी है, startups बहुत time नहीं चलते, ऐसा perception है. तो Shark Tank India और as a you Shark, ये perception change करने के लिए आप का क्या क्या व्यू है, या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क, मतलब कुछ गलत हो रहा है. स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टेटस क्वो को चैलेंज कर रहे हो. तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं कर रहे हो. You understand what I'm saying? तो ये हमको लगता है intuitively कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, but in reality अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो रही है, तो आप ज़्यादा innovation नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ try नहीं कर रहे हो. When you're doing extreme innovation and creativity, failure rate has to be high, right? So that must be encouraged. The question is, क्या हम 100 कंपनी या 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं that are generational companies. तो आज अगर आप हमारी मार्केट में आप देखेंगे, IPO मार्केट में पिछले 2-4 साल में कुछ कंपनीज पब्लिक गई है. Yes, some are not doing well, but if you look at a handful of them, उन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया है. अभी स्विगी का हुआ, Zomato is already public, Policy Bazaar, there are many others, right? Countless companies. These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने companies बनी, right? So we must encourage failure. The question, second question is, जो fail हो जाते हैं, स्टार्टअप्स, क्या उनको एक और चांस मिलता है? इनफैक्ट आप देखोगे तो आजकल वीसीज एंड इन्वेस्टर्स सच एज आवरसेल्व्स, वी लुक फॉर पीपल जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं और किसके पैसे पर, मेरे पैसे अभी शायद खराब ना हो, राइट? मगर बहुत बार ऐसे ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है, मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस का, मगर परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 करोड़ 100 करोड़, बट प्रॉफिट में प्रॉफिट देखा जाए तो कम होता है, तो ये परसेप्शन होता है। तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाता है, तो ये व्यू चेंज कितना करना। आप क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़ या 50 करोड़। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है, एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है। अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स, एक पीक आता है फिर एक डाउनफॉल भी आता है। तो 21 में हमारा जो वीसी इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आया था, सब कंपनीज की वैल्यूएशन भाग रही थी, बहुत बहुत ऊंची उठ गई थी, तो काफ़ी फ्रॉथीनेस था, बबल भी कह सकते हैं। लेकिन अभी वो क्लियर होने को 2-3 साल लगते हैं। आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, आई थिंक अमन वाज सेइंग दैट, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे आप जो शार्क टैंक पे आई हैं, दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू, वो 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं ना, वो 5-10x रेवेन्यू नहीं है, वो 1.5-2x रेवेन्यू है। तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए, बट यू वांट दैट साइकिल, क्योंकि वो साइकिल जब ऊपर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू क्रिएट अ वाइड एंड डीप इकोसिस्टम। सो इट्स नॉट अ बग, इट्स अ गुड थिंग। ओके सर, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, इसके पास है माइक। हाय हाय, यू आर दिस साइड जी। हाय, दिस इज समीरा फ्रॉम विरल भयानी। सो माय क्वेश्चन इज टू रितेश एंड अनुपम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम? यस। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो ट्रू ओजी है इंडियन इंटरनेट के। उन्होंने बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को। आई थिंक शी मींस बिजनेस वाइज। यस, बिजनेस वाइज, बिकॉज जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता है। सो वही क्वेश्चन है कि आप क्या मेरे को अलग ही लगा, मेरे को लगा शादी के बाद ओयो जाते हो, इसका ये ऐसा नहीं फीलिंग है। नहीं, क्या तुम क्या बोल रहे थे? ओयो शादी डॉट कॉम पहले जाते कि बाद में जाते? मेरे को लगा उससे रिलेशन में पूछा। देखो, मेरे को भी वो डाउट था। आप शार्क में भी अमीरी गरीबी के लेवल पर आपने 3 अलग-अलग आपने कंपैरिजन कर लिए। एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन, आप कहते हैं कुछ। देखिए, आप जब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते। और जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिच लिस्ट क्या है। आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होते हैं, हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। पर जब डील के बारे में बात करते हैं, तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई सी इट। अनुपम भाई? हाँ, नहीं, बिल्कुल। बिजनेस में तो कॉम्पिटिशन की कोई बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, तो आप ही हिसाब लगा लेना। मेरे दिमाग में है ना, कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता था। अभी सब जानने लगे। मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो अभी आप हिसाब लगा। एक सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम आदर्श फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। सो माय क्वेश्चन इज फॉर नमिता जी। सो नमिता जी, एवरीबडी नोज दैट यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ बॉलीवुड। सो माय क्वेश्चन इज कि if you want to name each of the shark with a movie character, since you are born, do it. Hashtag भी मुझे Bollywood character भी मुझे, you know, आप अगर आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया, so you know आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो you know एक Bollywood character से अगर हर shark को relate करना है, तो what would it be? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। बॉलीवुड बॉलीवुड में घुसा रहे हो। राहुल अमन इजीएस्ट वन, शाहरुख खान। ये हमारे शाहरुख जैसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। आप कौन होंगे? टफ टू आंसर। दिस इज अ टफ वन। अरे इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन आप याद आती है आपको। वो बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका। आप तो आलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं, इतने प्यारे रहते हैं। अभी मेरे को अच्छा बोला। ये हमारे शो के यू नो वो एवरग्रीन हीरो होते ना, बुजुर्ग विडो। ये जैकी रा है, बस एक गमले की कमी है उनके। मैं तो हूँ बसंती। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है क्या? एवरीबडी नोज बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम देने। क्या एग्जैक्टली कुणाल आप कौन है? कड़क माल। I think that's it. विराज सर स्टार किड हो सकते हैं, अबाउट टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, नेपोटिज्म नहीं है यार। एक और सवाल है, ठीक है आखिरी सवाल। हाय शार्क्स, हर्षिता इनसाइट फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। वैसे हम देख रहे हैं कि काफी शार्क्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में। आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस खाली में चल रहा है कहीं? हाँ, खाली में चल रहा है। बट अगर प्लान हो तो क्या प्लान? मतलब बिग बॉस का प्लान है किसी और शो में? बिग बॉस का देखो, यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाते हैं। हम नहीं जाते बिग बॉस। थैंक यू। हो गया थैंक यू। वो तालियां बजानी शुरू कर दिया उन्होंने। अबे हो गया, वाह। एक मिनट यहाँ बिमल सर कहाँ हैं? बिमल सर को बुलाओ यार, उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं। या जस्ट सवाल पूछ लो मैम, तब तक आप अपना सवाल पूछ लीजिए। कुणाल दानिश वांट्स टू से समथिंग। दानिश सर कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। हां, नो आई जस्ट वांटेड टू फर्स्ट थैंक ऑल द शार्क्स present here. I think Kunal, thank you. Viraj, thank you. Anupam, Namita, Ritesh, Azhar, Aman, of course. We don't have today Varun and Vinita and Piyush. They are also part of this Shark Tank season 4. We are also thankful to some of the sharks, whether it's Ashneer, Ghazal, or Deepinder, who are not there in this season. But I personally believe that Shark Tank is kind of an alumni. Okay, we'll keep coming back. The sharks will coming back, and hopefully we'll have more episodes, and we'll have more sharks. And some will not go. Some will never go. Yeah, many will never go. Yeah. No, I think as said, I think each one of them have contributed to make this property what it is today. And they brought their unique personalities and perspective, and I think a lot of youngsters who are watching it, and we keep reading their comments on our social media. I think each sharks have brought something unique to the table, and I would like to thank everybody here, everybody who is not there, even the sharks who have come in previous season. All of them made this Shark Tank, and the three other people who I would like to thank. Not three teams, you know. There is you would have heard this name, Bimal. He's yes. Our showrunner, you know. I don't know where is he. I think he just left. He bolted. No, he generally doesn't leave, no. But yeah, he's. So Bimal is a showrunner, and he has a fantastic team. Rahul and all of them here, you know. So this is one team which has been consistently, you know, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, is very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. Wow. So I think we have done more episodes in 4 years than any Shark Tank in 15 years. Yes, correct. मतलब इतना काम कराते हो सर, अभी तो कुछ करो। So अभी it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are two other team. One is our marketing team. I think it's very difficult initially. People, a lot of people with the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and gang, have done a wonderful job. And the other thing is that we have been able to sustain doing this profitably because there is Ranjana and sales team who has done a wonderful job. So look at eight such sponsors already. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we'd like to thank you guys, because from the moment we put the first promo of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from the media. Thank you. Thank you. Yeah. I think, thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में खड़े होते हैं और एक शानदार एक फोटो लेते हैं। Namita ji on your right, on your left. Madam ji, थोड़ा राइट में आइए ना, थोड़ा सा, बस मैडम जी, फुल सेलेब हो गया, समझ भी नहीं आ रहा है। तो राइट में तो get used to it. एकदम सामने देखिए, एकदम सामने आपके, सामने lovely जी, thank you. बस अरे का पासिंग बंद करो, सबको देखिए सर सेंटर, बस मोबाइल नीचे रखो ना भाई, सर सेंटर देखिए, स्नैप इट। अरे भाई पीछे यार, पीछे से हट जाओ यार मेरा भाई। तो थैंक यू, नेक्स्ट देखो जरा पीछे सर दोस्तों बहुत दूर है, जल्दी सर बॉक्सिंग कर रहे हो सर एकदम सामने, बॉक्सिंग नहीं करते आप सर, ऑन योर राइट सर, आप देखिए सामने, क्या बात, हैंडसम, थैंक यू। नेक्स्ट अनुपम सर आइए, टोनी स्टार्क, इंडिया का टोनी स्टार्क भाई, उसको अनुपम मित्तल सर एकदम सामने देखो, on your right here sir yaar yahan pe dekhiye Anupam sir, center kya baat, thank you Aman sir आइए, शाहरुख खान sir बोले, हाथ फैलाइए ना सर, उधर सामने देखिए सर, एकदम सामने सर, एक पोज हो जाए, शाहरुख खान पोज हो जाए, शर्मा रहे हो आप, एक पोज हो सकता है सर, एक पोज, थैंक यू, हेलो लवली, नेक्स्ट अरे भाई मार्क लग रहा है सामने देखो, फैंटास्टिक अजहर भाई आगे, अजहर सर ऑन योर राइट हियर, तो सामने देखिए ना सर, ऑन योर राइट, क्या बात, सामने, चलो थैंक यू। नेक्स्ट सर एकदम सामने, हैंडसम, वेट अमोल सर और बस आप भी आ जाओ एंकर आ जाओ स्वागत है सर, यहां पे मेन आदमी है तो अच्छा, हां थैंक यू। कौन बुलाओ यहां पे दानिश सर, दानिश सर चलो क्या कुछ बोल रहे हैं सर, एकदम सामने है, यस सर यहां पे सर, आपके सामने देखिए, थैंक यू सर, आपका शो सुपर।